नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं। राहु जब कमजोर होता है, निर्बल होता है, तो उसके लक्षण कौन से होते हैं और आखिरी में बताऊंगा कि उसके उपाय क्या करने चाहिए। राहु केतु का भौतिक दृष्टि से कोई अस्तित्व नहीं है, इसे आप आकाश के अंदर अपनी आंखों से देख नहीं सकते क्योंकि एक छाया ग्रह है। सूर्य चंद्र जब गतिमान होते हैं और जब एक दूसरे को काटते हैं, एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, उस बिंदु को राहु कहते हैं। राहु ग्रह एक राक्षस होने के वजह से 90% लोगों की कुंडली में वो अच्छा फल नहीं देता क्योंकि राहु के वजह से कई अशुभ योग उत्पन्न होते हैं। वो जिस ग्रह के साथ बैठ जाता है उस ग्रह की शुभता का नाश कर देता है और अगर राहु की डिग्री ज्यादा रही तो वो योग बहुत ही ताकतवर हो जाता है और अगर राहु की डिग्री कमजोर हो या कम हो तो उस अशुभ योग की ताकत भी कम हो जाती है। अभी कौन से योग बनते हैं और उससे क्या फल मिलता है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। सूर्य और राहु अगर युति में आ जाए या एक साथ बैठ जाए तो सूर्य ग्रहण योग नामक अशुभ योग बनता है जिसके वजह से व्यक्ति को जीवन में उन्नति, प्रगति, विकास प्राप्त नहीं होता। वो अपनी मेहनत के हिसाब से प्रोग्रेस नहीं कर पाता। समाज के अंदर उसे जो उचित मान सम्मान, यश जस, प्रतिष्ठा, कीर्ति चाहिए वो नहीं मिलती बल्कि जीवन में एक बार बहुत बड़ी बदनामी का सामना करना पड़ता है। चंद्र राहु अगर एक साथ बैठे हो तो चंद्र ग्रहण योग नामक अशुभ योग निर्माण होता है जिसके वजह से व्यक्ति मन से बहुत ही अशांत रहता है, हमेशा कंफ्यूज रहता है, निर्णय शक्ति का अभाव रहता है, डिसीजन पावर कमजोर होता है और वो हमेशा डरा डरा सा रहता है, सही वक्त पे सही निर्णय नहीं ले पाता और मन से उदास, हताश, निराश हो जाता है और उसका प्रोग्रेस नहीं कर पाता। मन से बहुत ही कमजोर और निर्बल होता है। मंगल और राहु एक साथ बैठ जाए तो अंगारक योग नामक अशुभ योग उत्पन्न होता है जिसके वजह से व्यक्ति जिद्दी, हटी, गुस्से वाला, चिड़चिड़ा, इगोस्टिक बन जाता है और वो अपने ही स्वभाव के वजह से अपनी उन्नति प्रगति नहीं कर पाता, अपने रिश्तों को कमजोर कर लेता है और खुद अपने ही पांव पे अपनी कुल्हाड़ी मार देता है। बुध और राहु जब साथ में बैठते हैं तो जड़त्व योग बनता है। व्यक्ति का मैथमेटिक्स कमजोर होता है, तर्क बुद्धि कमजोर करता है, दूसरों के हिसाब से उसमें स्मार्टनेस की कमी करता है और उसकी वाणी के प्रभाव को क्षीण करता है, उसके इंट्यूशन पावर को कमजोर करता है, उसकी पर्सनालिटी को कमजोर करता है। गुरु और राहु जब साथ में बैठ जाए तो गुरु चंडाल योग यानी कि विप्र चंडाल योग बनता है जो व्यक्ति को धर्म के विरुद्ध लेके जाता है। व्यक्ति के अंदर अधर्म की भावना बढ़ती है, नीति को छोड़ के अनीति के तरफ वो आगे बढ़ता है, संस्कारों को छोड़ के कुसंस्कारों की तरफ आगे बढ़ता है और व्यक्ति बहुत ही तेजस्वी और प्रभावशाली होने के बावजूद वो कुकर्म के अंदर फंसने लगता है और जिसका परिणाम भी उसे भोगना पड़ता है। गुरु राहु का चंडाल योग हो तो व्यापार के अंदर बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और जीवन में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और सुखों में बहुत देरी होती है। शुक्र राहु साथ में हो तो लंपट योग बनता है। शुक्र राहु साथ में होने के वजह से व्यक्ति व्यसनी बनता है, बीड़ी, सिगरेट, तमाकू, दारू, गुटखा, चरस, गांजा, अफीम जैसे व्यसन में लग जाता है। शुक्र राहु साथ में हो तो वासनिक विचार देता है, व्यक्ति के मानस को विकृत बना देता है और व्यक्ति अपने शौकों के वजह से अच्छा बुरा कुछ भी नहीं देखता, उसकी अतृप्त इच्छाओं को वजह से वो अपना नुकसान कर बैठता है। शनि राहु अगर साथ में हो तो शापित योग बनता है, व्यक्ति को सुखों से वंचित करता है, उसके हर काम में विघ्न पैदा करता है, मानसिक अशांति बढ़ा देता है और जीवन संघर्ष में बना देता है। राहु बहुत अलग अलग चीजों का कारक है, कौन सा तो सुनिए। राहु
जादू, टोना, जंतर, मंतर, हिप्नोटिज्म, वशीकरण, मेली विद्या, तंत्र विद्या, करणी बाधा का कारक है। राहु धोखाधड़ी, षड्यंत्र, विश्वासघात का कारक है। राहु इलेक्ट्रॉनिक चीजों का कारक है। जिसकी भी कुंडली में राहु पीड़ित हो उनको बार बार इलेक्ट्रॉनिक चीजें उनकी खराब हो जाती है। राहु जेल यात्रा का कारक है। राहु असाध्य रोगों का कारक है। राहु व्यसन का कारक है। राहु अतृप्त इच्छाओं का कारक है और व्यक्ति अपनी अतृप्त इच्छाओं को पूरी करने के लिए जात जात का रास्ता ढूंढता है। फिर वो सही हो गलत हो, नीति हो अनीति हो, धर्म हो अधर्म हो, कुछ नहीं देखता और वो अपनी अतृप्त इच्छाओं को पूरी करने के लिए हर प्रयास करता है, जिसका खामियाजा भी उसको भुगतना पड़ता है। राहु अगर कमजोर हो तो व्यक्ति खुद हमेशा कंफ्यूज रहता है, वो दूसरों की निंदा करता है, दो जन में झगड़े लगा देता है, लोगों का झगड़ा देख के उसे मजा आता है, प्रपंच करता है, तर्क वितर्क करता है, शंका कुशंका करता है, लोगों से बिना कारण वाद विवाद करता है। राहु व्यक्ति को बहुत ही नेगेटिव बना देता है। लेकिन ये कब? जब राहु कुंडली में कमजोर हो, निर्बल हो। तो राहु अगर कमजोर हो तो व्यक्ति राजनीति के अंदर षड्यंत्रों का उपयोग करके पद प्राप्त करता है और अपने पद का दुरुपयोग करता है। राहु अगर कुंडली में खराब हो तो वो अभिनेता होने के बावजूद अपने अभिनय का सही उपयोग नहीं कर पाता और कहीं ना कहीं वो एक बार निंदा के पात्र भी बनता है। अभी हम जानेंगे राहु के उपाय क्या करने चाहिए। सबसे पहले राहु सबसे पहले हमारी बुद्धि के ऊपर असर करता है, तो हमारी बुद्धि को बिगड़ने नहीं देना है, इसलिए माता सरस्वती की उपासना करनी चाहिए। ओम एम सरस्वते नमः, ओम एम सरस्वते नमः, ये मंत्र का नियमित 108 जाप करना चाहिए और माता सरस्वती को प्रार्थना करनी चाहिए कि हे माँ सरस्वती, मेरी बुद्धि को अच्छा कर, मुझे सद्बुद्धि, सुसंस्कार, अच्छे विचार प्रदान कर। राहु राक्षस है। राक्षसों का सरताज कौन है? देवाधिदेव महादेव। अगर महादेव की उपासना की जाए, सोमवार के दिन रुद्राभिषेक किया जाए, महामृत्युंजय के जाप किए जाए, शिव जी का अनुष्ठान किया जाए, शिव जी की साधना की जाए, तो राहु का प्रकोप कम हो जाता है। राहु को शांत करने के लिए हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए, हनुमान चालीसा बोलनी चाहिए। राहु को कमजोर करने के लिए गायत्री की उपासना भी बहुत असरदायी है। रोज सुबह उठ के अपने घर में अखंड कोई भी दिया जलाइए और आप गायत्री मंत्र का 108 जाप कर सकते हैं, अपने घर के अंदर अखंड ज्योत जला सकते हैं। राहु अगर आपकी कुंडली में कमजोर है तो आपको क्या करना चाहिए? शिव मंदिर के आसपास जो भिखारी लोग हैं उनको भरपेट खाना देना चाहिए और उनको प्रसन्न करना चाहिए। राहु को शांत करने के लिए काले कुत्ते को रोटी खिलानी चाहिए। राहु को शांत करने के लिए एक काले कपड़े के अंदर काला तिल, लोखंड और ऐसी सब चीजों को जमा करके अपने पैसे 9 बार घुमा के किसी शिव मंदिर के दरवाजे पे या कोने में रख के आना चाहिए। राहु को शांत करने के लिए आप पीपल के झाड़ के नीचे आप दिया जला सकते हो। राहु एक ऐसा ग्रह है कि जो हमेशा व्यक्ति के मानस के ऊपर असर करता है, व्यक्ति के अंदर विकृति पैदा करता है, इसलिए हमेशा उस व्यक्ति को ध्यान, मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम करके अपने मन को काबू में करना चाहिए, सात्विक संगति में रहना चाहिए, सत्संग करना चाहिए और पूजा पाठ, होम हवन करना चाहिए, ब्राह्मण गुरु के सानिध्य में रहना चाहिए, धर्म की मदद लेनी चाहिए, वेद पुराण पढ़ने चाहिए और अच्छे कर्म करने चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको राहु के बारे में काफी सारी जानकारी दी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।